गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। अब हम जानते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में। ठीक है, हमने एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में जान लिया, डेजर्ट वाले एनिमल्स के बारे में जान लिया। ठीक, देखिए वी हैव टेकन टू एग्जांपल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन अर्थ। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, आप ये डेफिनेशन ऑन करें। भाई अभी तक तो हमने जान लिया कि एनिमल्स में क्या क्या खास बात है जिनकी वजह से वो किसी भी सराउंडिंग में रह पाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में है। देखिए वापस से सुनिए, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑन सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। कि देखिए एनिमल्स में किसी जगह पर रहने के लिए कुछ सर्टेन करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, हैबिट। वो चीज़ें उनका एडेप्टेशन कहलाती हैं कुछ। ठीक है, एडेप्टेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, यानी अनुकूल हो जाते हैं वो। क्लियर, आगे एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस और ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब होता है रहने की जगह। ठीक है ना, ड्वेलिंग्स क्या होते हैं, रहने की जगह। जैसे झुग्गी झोंपड़ी बोलते हैं ना, तो उन्हें क्या बोला जाता है, ड्वेलिंग्स बोला जाता है। ठीक है, वापस से देखिए, एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। किसी भी एनिमल के जो एडेप्टेशन है उनकी ड्वेलिंग्स पर डिपेंड करते हैं, कि वो कहाँ रहते हैं। ठीक है ना, रहने की जगहों को भी हम क्या बोलते हैं, ड्वेलिंग बोलते हैं। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन सी। इसीलिए भाई फिश है वो आउट ऑफ वाटर नहीं रह सकते और कैमल्स हैं वो ओशन के अंदर नहीं रह सकते। दोनों को अपने अपने प्लेसेस चाहिए। ठीक है, हैबिटेट वर्ड का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वापस से, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी एनिमल रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। जो रहने की जगह है वहाँ पे शेल्टर होता है ना, खाना वाना सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसा हम रहते हैं वैसे ही एनिमल रहते हैं। तो द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब एक हैबिटेट का टाइप है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट और एनिमल जो लैंड पर रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट, कोस्टल माउंटेन रीजन्स, ये सारे सारे टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल हैं। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स। ऐसे जो प्लांट और एनिमल जो पानी में रहते हैं उनकी रहने की जगहों को हम बोलते हैं एक्वाटिक, और एक्वा मीन्स होता है वाटर। अब एक्वाटिक हैबिटेट्स के एग्जांपल रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, ये सारे के सारे एक्वाटिक हैं। There are large variations among terrestrial habitats like forest, grasslands, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world. ये सारी के सारे habitats हैं और बहुत तरह के variations हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, the organism both plants and animals living in habitat are its biotic components and the non-living things which such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component. यानी कि जो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो बायोटिक और एबायोटिक मिलकर के आपके एनवायरनमेंट को बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। लेट अस लुक एट सम बायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। ठीक है, हम जानते हैं ये जो प्लांट्स हैं किससे उगते हैं, सीड्स। चलिए अब देखते हैं जो सीड्स हैं कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। अब एक्टिविटी नंबर टू, रिकॉल एक्टिविटी फाइव इन चैप्टर वन, वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। हमने स्प्राउट्स वाली एक्टिविटी पढ़ी थी। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। जब एक सीड से स्प्राउट बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेटेड बन जा बोल देते हैं। वाइट वाइट उसमें कली सी दिखाई देती है। दिस इज बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ न्यू प्लांट। और ये क्या है, प्लांट की लाइफ की नई बिगनिंग होती है। देखिए एक्टिविटी है, कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, की 20 to 30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। डिवाइड द सोक सीड इनटू फोर पार्ट्स, की वन पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर 3-4 डेज, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज इन वाटर। आपको उनको क्या करना है, पानी में भोग रखना है, कुछ टाइम बाद अच्छे से भीग जाए, उनको फोर पार्ट में डिवाइड करें तो एक पोर्शन को आप कम्प्लीटली पानी में डुबो करके रखें। ठीक है, कि वन पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन सनी रूम, एक को आप सनी रूम में रखें, एंड अनदर इन कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक कबर्ड दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू कम इन। और अगला वाला पार्ट कहाँ रखना है आपको, लास्ट वाला पार्ट आपको कहाँ रखना है,
एक ऐसी जगह है जहाँ पे डार्क हो, बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, कीप द लास्ट पार्ट इन कोल्ड सराउंडिंग, और लास्ट वाले पार्ट को कोल्ड में रखें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपने इधर रखा है पानी में डुबो करके, सेकेंड पार्ट आपने रखा है कबर्ड में रखा है, ठीक है, और थर्ड पार्ट को ऐसे ही रखा है नॉर्मली, और फोर्थ पार्ट को आपने कहाँ रखा है कोल्ड रूम में, ठीक है, कोल्ड सराउंडिंग में, ठीक। वॉट डू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, डू दीज इन ऑल फाइव कंडीशन जर्मिनेट अनफॉर्मली, डू फाइंड, डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन दीज, यानी कुल मिलाकर के आपको जर्मिनेशन किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं या नहीं देखें। डू यू रियलाइज दैट बायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा क्या होता है जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे हीट, लाइट, वाटर, ये सारी चीज़ें जिस सीड को मिली वही इस स्प्राउट में बदलेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड प्लेसेज एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट, हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। हमने देखा है भाई जहाँ पे हॉट रीजन है डेजर्ट वहाँ भी एनिमल है, या कोल्ड रीजन है वहाँ भी एनिमल है, ठीक है। तो एनिमल्स वहाँ पे कैसे रह सकते हैं, वो अपने एडेप्टेशन टेक्निक के थ्रू वहाँ पे रह पाते हैं। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। जो एडेप्टेशन हैं वो किसी भी जगह पर शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होते, वो धीरे धीरे आते हैं किसी भी फैक्टर्स में। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। वो ऑर्गेनिज्म जो रह नहीं सकते वो मर जाते हैं, और जो अडेप्ट हो जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि जो प्रकृति के नियमों को नहीं अपना सकते वो मर जाएंगे, और जो प्रकृति के नियमों को अपना लेंगे वो जीने लग जाएंगे, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस है ये। तो आगे ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे, दिस रिजल्ट इन वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो सर्वाइव कर जाते हैं हर तरह की क्लाइमेट में, तो वहाँ पे डिफरेंट हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। ये वाली जो चीज़ है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप इसको इतना सा पढ़ें, एक दो डेफिनेशन आई आप उनको भी लर्न करें। थैंक यू क्लास।